ये चेहरे के पीछे क्या छुपा है? ये लंबा लिस्ट। इतना कुछ अभी मेडिसिन लेना पड़ेगा। तबीयत खराब होता है लेकिन मुझे नहीं पता चलता है। मेरा कुछ तबीयत खराब ही नहीं है, है ना? थोड़ा बहुत खाने से, ठीक खाने से हो जाएगा। और ठीक खाना कब होगा? बीवी जब आएगी ना पास के। नौटंकी। हम दोनों ने मिलके घर साफ किया क्योंकि घर बहुत गंदा हो चुका था। तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है? सबको बोल तो पता चल टाइम लैप्स में तुम्हारा व्लॉग है तो तुम ही रहोगी ना। अच्छा, तो टाइम लैप्स के पीछे तो मैं था। तो सच तो आप लोगों को पता है, मुझे एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं। मैं बात बोल दे रहा हूं, जो टाइम लैप्स स्टार्ट हुआ ना, यहां पे देखोगे कि सब मतलब कपड़ा पूरा भाज किया हुआ था। तो वो कौन किया? वो फोल्ड करके मैं पहले से वहां पे रख के गई थी। ठीक है, रख गई थी। यहाँ पे जो था, नीचे जो था वो ये फालतू हो तुम्हें। फिर हम दोनों ने, ये कमरा इतना गंदा हो रहा था तो सोचे कि इसको थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं होती हूँ घर पे 10-15 दिन, एक महीना बाद जब आती हूँ तो घर का हालत इतना खराब होता है ना, मूड पूरा ऑफ हो जाता है, ये करता है ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए दिमाग इसी ने लगाया और हम लोगों ने थोड़ा कुछ सामान खरीदा। ये एक रैक खरीदा है जो वार्डरोब के अंदर ही लगा दिए ऐसे। चलो अभी चलते हैं बाहर, और मैं अभी जा रही हूँ अपने घर, वहाँ पे थोड़ा डिनर का इंतज़ाम है और आज कुछ नया दिखने को मिलेगा। चलिए, तो आज होने वाला है शालिनी के व्लॉग में मोटो व्लॉगिंग सेटअप में वीडियो आएगा, तो उसके लिए तुमको हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो हेलमेट पहनने के लिए ये कान का बाली खोलना पड़ेगा। चलो खोल दो, फिर पहले हेलमेट ट्राई कर लो। ये मेरा हेलमेट है, तो इसमें पूरा सेटअप किया हुआ ये। तो आज ये मेरा हेलमेट पहन के ट्राई करेगी। अच्छा, ठीक से हो गया एकदम। ये हेलमेट पहन के मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरा वाला हेलमेट अच्छा है। ठीक है, अभी तो वो खोल नहीं पाएंगे, बाद में सेटअप कर देंगे तुम्हारे लिए दूसरा खरीद के। कहाँ जाने वाले हम लोग? अभी तो जाएंगे मेरा ससुराल। तो रेडी हो गई मेरा कैमरा लेके, फिर आज होगा गोप्रो से व्लॉगिंग। तो चलो देखो यार, तो क्या है ना कि मैं तो कोलकाता के रास्ते में बहुत चलाई हुई हूँ स्कूटी। पहाड़ी में जाके मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ पे नीचे उतरने के टाइम बहुत डर लग रहा था और ऊपर चलने में अच्छा ही लग रहा था। ऊपर चलना बहुत इजी हो जाता है पहाड़ी में, लेकिन प्लेन में क्या, पूरा का पूरा सेम ही है। और एक बात जो है, पहाड़ी में उतना ज़्यादा मुझे कभी जैम नहीं मिला, ट्रैफिक नहीं मिला। कोलकाता में बहुत ट्रैफिक होता है यार, लेकिन अभी तो मैं अपने ससुराल से अपने मायका जा रही हूँ तो इतना दूरी है नहीं, बीच में कोई हाईवे, मेन रोड या ट्रैफिक नहीं मिलता है मुझे। ये मैं आ गई मेरे मायका वाला मोहल्ला में, जो कि काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है।
अभी बस एक दो दिन रहेगा, फिर तो ये लाइटिंग भी बंद कर देंगे वो। और ये हम पहुंच गए, ये देखो मेरे घर के सामने, देखो ओए शॉर्ट रे शॉर्ट ना ना इतने शोधू ना। पोच, अंडे का पोच, और ये है बॉयल दाल, बस इतना ही मिलेगा। मैं खाने वाली हूँ चिकन। तो अभी चलते हैं दवाई लेने। रात का बज रहा है 11:30 और रास्ता एकदम सुनसान है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को कोलकाता का जैम देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि लाइटिंग कैसे अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप में लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर ब्रिज है, नागर बाजार का ब्रिज, तो वहीं से एकदम रोड तक आया है फेरी लाइट्स का जो है। ये फेमस ताज होटल है यहाँ का, बहुत टेस्टी खाना भी मिलता है इधर। हम लोगों का पहले तो इधर ही आना होता था हमेशा डिनर के लिए, लंच के लिए, शादी से पहले। हाँ शादी के बाद बंद भी हो गया। दोस्तों शालिनी को ये हेलमेट ढीला हो रहा था, इसीलिए मैं मेरे को दे दिया कि अभी तुम पहनो, तुम मेरा जगह मोटो ब्लॉगिंग कर लो, मेरे यूट्यूब चैनल में डाल देंगे। तो अभी मैं चला रहा हूँ शालिनी का यूट्यूब चैनल, तो अभी मेरे जिम्मे में है, मैं क्या दिखाऊंगा क्या नहीं दिखाऊंगा अभी मेरे ऊपर है, ठीक है। चलो ये एक पैंडल है, ठीक है, आराम से दिखा भी देते हैं। छोटा करके जो प्रतिमा है वो छोटा है पर अच्छा है, पर जिन लोगों का पैंडल है उन लोगों का कोई नहीं है अंदर। अरे होल्डिंग गिर गया, आज तो पार्टी होने वाला था, पार्टी 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 वाला कोल्ड ड्रिंक गिर गया वो। ये जो गेट है ना, सही बनाया गेट को। और एक बाबा बढ़िया वाला भीड़ है अभी भी। रात को 12 बज रहा है और भीड़ तो ऐसा है कि शाम हो रहा है। तो अभी हम लोग घूम के गली गली के अंदर से जा रहे हैं। कल इसका भाषण है, भाषण में आएंगे हम कल। तो घर आ गए हम लोग, अभी सोने वाली हूँ क्योंकि यार वो हेलमेट पहन के इतना गर्दन और मेरा गला, ये बैक पूरा पेन हो रहा है अभी। उफ, कुछ तो वॉलिनी स्प्रे में लगाना पड़ेगा। वो हेलमेट पहन के इतना गर्दन दर्द हो गया ना, नहीं मैं तो नेक्स्ट बार अगर मोटो ब्लॉगिंग करूंगी भी तो मेरा हेलमेट पहन के उसी में सेटअप बना के करने वाली हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो भी है, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगा है मोटो ब्लॉगिंग का ये एक्सपीरियंस। अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो मेरा हस्बैंड का यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए,
और अगर डेली व्लॉग ज़्यादा पसंद है तो वो मेरा वाला ही देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ओके, तो जाने के पहले ज़रूर एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के जाइए। अगर पुराने हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लग रहा है। मिलती हूँ कल के व्लॉग में।